आपको लग रहा होगा कि कलश की है, पर ये कलश नहीं, वहाँ पे मदर्स डे होने के कारण केक पे लगा देती हूँ। तो जहाँ पे बहुत सस्ती टी शर्ट मिलेगी अब वहीं से शॉपिंग होनी है। और अब हम अपने पार्लर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारे पार्लर में वैक्स खत्म हो गई। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। और मार्केट भी क्यों जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है, इसी कारण हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, केक उक लेने जा रहे हैं। और शायद आप तेजस के ब्लॉग में देखे भी होंगे कि लोग शॉपिंग करने एक दिन पहले गए थे, पर आधी अधूरी शॉपिंग करके आए हैं। तो फाइनली अब उसी शॉपिंग को कंटिन्यू करते हैं। और अब की बार हम और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तेजस नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे बच्चे लोग देखिए बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग के लिए और पहुंचते हैं सीधा मार्केट। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आ चुके हैं और थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा क्या मतलब टी शर्ट लेनी है। और ये सोच रहे हैं कि कुछ टी शर्ट ले लें, मगर टी शर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा कॉस्टली हम नहीं लेंगे क्योंकि मेरी आदत है, मैं टी शर्ट यूज करती हूँ और उसको बस एक दो महीने यूज करके उसको मतलब रिजेक्ट में लगा देती हूँ। तो जहाँ पे बहुत सस्ती टी शर्ट मिलेगी अब वहीं से शॉपिंग होनी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे टी शर्ट देखी जा रही है, अगर टी शर्ट समझ में आती है तो लिया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टी शर्ट की शॉपिंग हो चुकी है और अब हम अपने पार्लर के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। और हमारे पार्लर में वैक्स खत्म हो गया है, तो जैसे सारा कुछ है मगर केवल वैक्स ही नहीं है, तो बस वही वैक्स लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये रायबरेली के सब्जी मंडी में ही थोड़ा सा है ये दुकान, और ये होलसेल दुकान है। तो यहाँ से मैं पार्लर का भी बहुत सामान लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा था क्योंकि काफ़ी यहाँ पे कस्टमर थे और लंबे लंबे लोगों के बिल बन रहे थे। मेरा तो ज़्यादा लंबा नहीं था, फिर भी हमको वेट करना ही पड़ा। कैश देंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे पे कि यहाँ पे आप देखिए, वो मैंने स्लीट का वैक्स लिया है और मैंने यहाँ पे दो डिब्बा लिया है वैक्स का। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं और भी ले सकती थी वैक्स, मगर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वैरायटी वैक्स की मेरे पार्लर में बहुत ज़्यादा है और इस वजह से मैंने दो ही डिब्बा लिया। और क्योंकि मैं अक्सर मार्केट आती भी रहती हूँ तो जब खत्म होता है तो मैं फटाफट ले भी लेती हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वैक्स मैंने खरीद लिया है और वैक्स खरीद के एक गिफ्ट की दुकान पे जा रहे हैं। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी, एक दिन मैं आई थी तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। और आपको पता है कि मैं डेकोरेशन आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। गुल्लक है भैया? अबे यार, हम लोग कलर समझ के लेके आए हैं। इसको सजा भी तो सकते हैं, सजाने के लिए सजा भी सकते हैं। तो उसी के आगे फ्रेंड से ये भी दुकान है, मतलब शॉप है, ये गिफ्ट की होलसेल शॉप है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं यहाँ पे भी आई थी 4-5 दिन पहले, किसी कुछ काम से कुछ लेने आई थी, मुझे याद नहीं है क्या प्रॉपर लेने आई थी। तो मुझे ये कलश मैं देखी गई थी तो मुझे लगा था ये कलश है, पर बाद में पता चला कि ये गुल्लक है छोटे बच्चों वाला। फिर वो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कभी हम जैसे मैं डेकोरेशन दिवाली की करती या कुछ भी करती तो मुझे ये चीज़ काम में कहीं आ सकती है डेकोरेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि फिर मैंने इसको खरीद ही लिया, मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा ही मेरे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग गिफ्ट की दुकान से सामान लेके लौट रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं। बस फाइनली इतना सामान लेने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी शोर हो रही है एकरी,
और हम लोग जिस बेकरी से सामान लेते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बेकरी है, मगर हम लोग एक मधुबन में बेकरी है हर्ष बेकरी, वहां से हम लोग थोड़ा सा बहुत सामान लेते हैं। तो बच्चों का केक वोक है, खाने पीने से रिलेटिव सामान वहीं से हम लोग खरीदेंगे। तो अब यहाँ से निकले हैं रायबरेली के मधुबन। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये रायबरेली का घंटाघर चौराहा है, यहीं से निकलते हुए हम लोग सीधा मधुबन निकल जाएंगे और मधुबन में ही वही वो बेकरी है जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं। तो सीधा आप पहुँचते हैं बेकरी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये मैं हर्ष बेकरी आई हूँ और यहाँ पे अब मुझे कई सामान लेना है, केक भी लेना है और बिस्किट है, नमकीन है, छोटी मोटी खाने की कई सामान ख़त्म हो चुके थे तो वही मेरे हस्बैंड सब निकलवा रहे थे। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं अब यहाँ से। गए थे मतलब केक लाने, वहाँ पे मर्डर डे होने के कारण केक नहीं मिल पाया तो हम लोग दूसरी जगह पे आए हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे केक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। क्यों लो घर की ओर निकल रहे हैं और मेरी हुलिया देख सकते हैं क्या हाल हुई है मेरी। तो फाइनली फ्रेंड्स हम घर पे आ चुके हैं। जाओ तुम भी सारा सामान खा लो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम कहाँ पे बैठे हैं, जमीन में कोने में बैठे हैं और अभी बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है इसलिए चाय और नमकीन के साथ थकान को ख़त्म करते हुए। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है शरीर में और अभी बहुत ज्यादा काम है घर पे। पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि मैं क्या लेके आई हूँ, मतलब कैसी टी शर्ट लाई थी ये भी दिखा दे रही हूँ मैं आपको, क्या क्या लेके आई हूँ थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। लो जो जो सामने है वो दिखा दूं आपको कि क्या क्या मैं लेके आई थी। अरे रुकिए, ये क्या लेके आया हूँ, क्या है। तो फ्रेंड्स आपको दिखा सकती हूँ कि ये मैं कलश लेके आई हूँ और ये जो कलश है ये देखने में, देखिए आपको लग रहा होगा कि कलश ही है पर ये कलश नहीं है और आपको दिखा रही हूँ पास से, ये यहाँ से गुल्लक है। तो मुझे बहरहाल ये शुरू में हमने कलश ही समझा था मगर अब ये गुल्लक है तो क्या हुआ फिर भी डेकोरेशन में कहीं ना कहीं काम आएगा, जैसे आप रंगोली बना रहे हो कुछ बना रहे हो। अब कुछ मतलब हमारा कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा या कभी कोई पूजा होगी तो मैं इसको यूज करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे यूज किया। तो बहरहाल मैं इसको लेके आई हूँ, कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगी जरूर। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कितनी टी शर्ट खरीदी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम ढेर सारी टी शर्ट लेके आए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से कलर की है। पहला ये ब्लैक है और दूसरा ये लाइट पर्पल कलर की लेके आई हूँ और तीसरा ये डबल कॉम्बिनेशन मैरून और क्रीम शेड में है और चौथा ये डार्क ग्रे कलर का है। मतलब चार टी शर्ट लाई हूँ सस्ती सस्ती। और मैं आपको बता दूं कि चार टी शर्ट लाने का मतलब ये है कि सब ये मेरी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों की मेरी साइज सबकी एक है तो हम लोग मिक्स मैच पहनते हैं, कभी कोई बच्चा पहन लेता है, कोई कभी मेरा बड़ा वाला लड़का पहन लेता है, कभी मैं पहन लेता हूँ, कभी मेरा छोटा लड़का पहन लेता है। तो हम लोग एक टी शर्ट वाले ही जो कपड़े होते हैं वो माँ बेटे के एक होते हैं, मतलब कॉमन कपड़े होते हैं। तो फाइनली आपको मैं दिखा दे रही हूँ मैं चार टी शर्ट लाई हूँ, इसके पहले भी मैं पिछले हफ्ते में दो तीन टी शर्ट लेके आई, चार तब भी लाई थी। तो हो गया मैं हम लोग का गर्मी की व्यवस्था होगी घर में टी शर्ट पहनने के लिए। और फाइनली मेरे मुंह में छाला निकला इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं अपना यहीं पे अब ये छोटा सा ब्लॉग खत्म करना चाहूंगी फ्रेंड्स। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच।